नमस्ते, मेरा नाम है रक्षित कुमार और अपने साथ फिर से जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं? आज हम आपको ले जा रहे हैं दिल्ली की नेशनल आर्ट गैलरी में। तो आप मेरे साथ इस जर्नी का एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए। मेरे को बोलिए तारीख, मैंने सोचा थोड़ा घूम के भी आया जाए। तो आज मैं आपको दिल्ली की सड़कों में दिखाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या सीन है। तो आप बस देखते रहो और एंजॉय करो। तो ये ऑटो वाले अंकल है, हमसे 100 रुपये ले रहे हैं और ये पावर कॉपरेटर ही है कि मैं आपको घुमाते ही रहता हूँ। ये सारी रोडें हैं और देख लो, बस ये बस अड्डा है, बारहकंबा का मेट्रो स्टेशन वाला बस अड्डा है और अब हम जा रहे हैं। बाकी दिल्ली को मैं आपको घुमाते रहता हूँ और आपको पता ही है। और बाकी हम दिल्ली में हैं, देखो मज़े लो, इन्जॉय करो और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ और इंडिया के अदर अदर स्टेट्स और पार्ट्स भी घुमाते रहूँगा। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए तब तक। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अब हमारी गाड़ी हो चुकी है, चलने लग गई है। मंडी हाउस, जंतर मंतर, दिल्ली गेट, ये सब यहीं पर है और मैं आपको दिल्ली घुमा ही रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाने के साथ साथ मैं आपको रोडों की भी सैर करा रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि इतना इजी नहीं होता और इतना सही भी नहीं है कि ऐसे फ़ोन निकाल के शूट करना, पर आपको पता ही है कि मैं डिस्क भी लेता हूँ, डेयर भी लेता हूँ आपको सारी चीज़ें दिखाने के लिए। बस टेंशन मत लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी करते रहिए और चैनल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी दिल्ली मेरी जान है, मुझे पता है, बस और बस देखते रहो, मज़े करो। इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के पास पहुंच गए हम और यहाँ देखिए दिल्ली का रश स्टार्ट हो चुका है। प्रगति मैदान उधर की तरफ है और देखिए बस। तो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो सामने ही है इसका भवन और अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे वो मुझे नहीं पता, पर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और यही है आगे नेशनल गैलरी। तो हम पहुंच गए हैं नेशनल गैलरी ऑफ जो भी था नाम, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर जहाँ भी हम पहुंच गए और ऐसा कुछ इसके कैंपस है। हम आपको अंदर दिखाएंगे कैसे कैसे कैंपस है, क्या क्या चीज़ें होती है। बाहर से तो आप देख ही लो, बाकी आप अंदर से भी देख ही लोगे। और इसके आसपास पड़ोस का ऐसा कुछ माहौल है, ठीक है, और लोग आ रहे हैं, चिलअप कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो सामने है मेरे नेशनल गैलरी, देखो मज़े करो, दिल्ली के मज़े लो, इन्जॉय करो। और जैसे कि विजिटर एंट्री जो है गेट नंबर 3 से है, 3 गेट नंबर 3 ये है और यहाँ से विजिटर्स की एंट्री होगी जो यहाँ विजिट करना चाहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली, दिल्ली न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली। और हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एंट्री वाली होगी और यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, देख लो भाई साहब, ये है नेशनल गैलरी आर्ट मॉडर्न, अरे जो भी है यार, ड्राइवर जो भी चीज़ है। ओह भाई साहब, ये कौन बैठ रहा है भाई साहब, ठीक है। और ये बढ़िया सी जगह है जहाँ दिल्ली के मंदिर, और आपको हम अंदर की भी चीज़ें दिखाएंगे और यहाँ का पार्क देखिए और मज़े कीजिए बस, ठीक है। मतलब आपको काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह और चीज़ें देखने को मिलेगी। और एज़ यूजुअल मैं आपको अपने ब्लॉग में एंटरटेन करते रहूँगा और बोलते रहूँगा 24/7 आपके साथ बोलते ही रहूँगा और आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाऊँगा और इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा जो भी यहाँ पे है, सब कुछ शूट करूँगा। मतलब मेरे से मज़े कीजिए यार, आपको पता नहीं है मैं आपको आपके मतलब इन्जॉयमेंट के लिए कितना मेहनत करता हूँ अलग अलग जा जा के। चलो जगह है, पत्थर वत्थर सजा रखे हैं कुछ भाई साहब, और ये देखिए वे टू गैलरी का ऑप्शन आ चुका है और हम यहाँ जा रहे हैं गैलरी की तरफ, ठीक है। नवखंड न्यू विंग प्रोजेक्ट, जेंट्स के लिए 20 रुपये हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख रखा है कि सब कुछ, हाँ जी। अब हम डाउन स्टेयर्स की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे। वैसे ऐसे वीडियो शूट करना इतना अलाउड नहीं था, पर थोड़ा बहुत वीडियो तो हम शूट कर ही सकते हैं। अच्छा सा है, मतलब इसे कुछ स्कल्पचर टाइप बना रखे हैं इन लोगों ने और यहाँ से हम दिख रहे हैं, ठीक है। एमा
ओके एंटोनियो, ये है एंटोनियो जेवियर ट्रिनिडाड, अ पेंटर फ्रॉम गोवा, और 1870 से 1935 तक ये हुआ था। अब आप बोलोगे कि मेरी जीके या हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। काफ़ी सुंदर सा है ये, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने मतलब ऐसे स्कल्पचर वल्पचर और फोटो वोटो लाइक है ना। मिस फिन्स अ राइटर, ओ भाई साहब। ब्यूटीफुल, आप यहाँ जरूर आइएगा। ये सारी ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, बहुत मस्त मस्त सी ऑयल पेंटिंग है, ठीक है। दीज आर द मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में आपको पता ही होगा, छोटी छोटी पेंटिंग्स होती है, बहुत छोटी पेंटिंग है, बहुत बखूबी इसको बनाया गया है। ओके अकेले घूमने का मजा ही अलग है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ट्रेडिशनल आर्ट और कठीघाट पेंटिंग, जय हो माँ भगवती। वीणा वाली शारदे जय हे महिषासुर मर्दिनी रंगा का पादिनी शैरसुते पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन हमारा कोनो नहीं। यार ये तो पेंटिंग मैं भी बनाया था।